बूंदी में एसीबी का बड़ा ट्रैप, अतिरिक्त जिला कलेक्टर के नाम पर रिश्वत लेते दलाल ट्रैप किया गया है। एसीबी ने प्रभाकर शर्मा को 1 लाख की घूस लेते दबोचा है। मुआवजा खाते में डलवाने की एवज में घूस मांगी थी। 2 लाख रुपए की घूस को लेकर किया जा रहा था परेशान। एसीबी डीएसपी ज्ञानचंद ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। बूंदी में एसीबी का बड़ा ट्रैप है ये। और भवानी सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। भवानी, ये बताइए जरा, ये दलाल को ट्रैप कैसे किया गया, कैसे पता चला, पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ? देखिए, बड़ा खुलासा एसीबी ने इसमें ये किया है। फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये पहले संविदा कर्मी हुआ करता था जो वहां से हटा दिया गया था। लगातार ये जो अपने घर पर और अपने गाँव में रहकर ये बताता क्यों था कि मैं एडीएम कार्यालय में हूं और मैं आपकी जमीनों का मुआवजा जो है वो आपके खाते में डलाऊंगा। इसको लेकर ये रिश्वत की लगातार मांग कर रहा था। एसीबी को जब इसकी शिकायत प्राप्त हुई तो एक जाल बिछाया गया और आज इसको दलाल को जो है रंगे हाथ 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा करने वाली बात यह है कि संविदा कर्मी वहां से हट जाता है और एडीएम सीलिंग और एडीएम के नाम पर ये अवैध वसूली का जो गोरख धंधा है लगातार चलता है और आखिर में परेशान होकर किसानों द्वारा ये ट्रैप की कार्रवाई करवाई जाती है और ऐसे दलाल जो सरकारी अधिकारियों के नाम पर या उनकी आड़ में या उनके ये कह सकते हैं संरक्षण में अपने अपने जो मंसूबे हैं उनको रिश्वत के नाम पर खूब फला फूलाते हैं और जो आम जन है उनको परेशान करते हैं। अपने आप में कहा जा सकता है कि एसीबी की बड़ी कार्रवाई किसानों को राहत प्रदान करने वाली है। बिल्कुल भवानी, वाकई में बड़ी कार्रवाई है, बड़ा ट्रैप है ये। ना जाने कितने लोगों को इसने झांसे में फंसाया होगा और रिश्वत ऐठी होगी उनसे, लेकिन इस बार धर दबोचा गया है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।